यो दिस इज फोन बूथ, जहाँ तुम्हें दुनिया की हर भूत भूतनी डाकन डायल चुड़ैल एक्सेट्रा सब मिलेगी। नाम बोल तू बस। हर कैटेगरी हर देश के भूत भूतनियाँ हैं इधर। कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है और इन सब के राइट वीपीएन लगा के टॉरेंट से डाउनलोड कराए इन्होंने। एना बेली, पेनी वाइस, चक्की नन, चोमो पुलिया पे रात को भटकने वाली चोमो चुड़ैलन। अरे ये तो भाई गुड्डू भाई, तेरी मम्मी चुड़ैलन बन गई देख। मुन्ना भैया का एक्सीडेंटली शिकार हुआ दूल्हा भी है और ये रोड पे स्कूटी चलाने वाली महिला भी है। ये कोई देखकर सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही मेरे को, पता नहीं क्यों, इट सीम्स ऑब्वियस। और ये तो देखी हुई, अरे हाँ ये तो भैया है, दो दिन पहले मिली थी मुझे। उस दिन तो इसने अच्छे हील वाले सैंडल पहन रखे थे, इसलिए 1 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक मार के जिंदगी बख्श दी थी इसने मेरी। बाद में शायद सैंडल पहनना भूल गई, इसलिए नंगे पैर ब्रेक कैसे मारती बेचारी। और इन्हीं लोगों के बीच में है एक कैटरीना कैफ्स घोस्ट। आपे तो हमको डरा रही है कि चढ़ा रही है। ये फैशनेबल हीरोइन जिसके नाम मात्र में ही इतना फैशन महक रहा है, ये इस मूवी में भूतनी बनने पर भी भूतनी बनने को राजी नहीं हुई। मतलब इधर ये सब तो पागल हैं जो ऐसे भूत बन रहे हैं इधर, और इन महारानी को देखो। और सबसे मजे की बात, किसी को आपत्ति भी नहीं हुई, तुमको भी नहीं हुई होगी जानता हूँ कि हाँ भाई कैटरीना कैफ की भूतनी है, बिल्कुल ऐसे ही होती होगी, ऑल फाइन। इन भूतनियों के लिए तो कोयला चूना लेकर आओ, और इस महारानी के लिए I really feel bad for them. So, phone booth, let's go. There are 2 main characters here, Major and Gullu, जिन्हें शरीर में बसी आत्मा से ज्यादा बिना शरीर की आत्माओं में इंटरेस्ट है। मतलब इंसान से ज्यादा भूत प्रेत पसंद है इन्हें बचपन से ही। एक्चुअली इन्हें क्या, हर बच्चे को भूत में इंटरेस्ट होता है बचपन से ही, डर के साथ इंटरेस्ट होता है लेकिन इंटरेस्ट होता है। परंतु धीरे धीरे बड़ा होने पर ये समाज उनके इस शौक को खा जाता है, लेकिन इन्होंने अपने इस शौक को उन्हें नहीं खाने दिया, बल्कि देखो इनका शौक ही इनका फ्यूचर खा रहा है। बस भूतों से ही ऑर्गेज्म लेने के काम धाम कुछ नहीं करते हैं ये। इन्होंने अपना भूतिया रेस्टोरेंट चालू किया, फेल। फिर यूट्यूब चैनल चालू किया 5 सब्सक्राइबर के बाद, वो भी फेल। अबे तो एनिमे वर्सेस बॉलीवुड पे वीडियो बनाता ना, फिर 5 के बजाय 5,000 सब्सक्राइबर पे फेल होता, ह्यूज सक्सेस। अबे चल चल बैक टू द मूवी। ये अब फाइनली भूतिया पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां इनके गुरु राका के आशीर्वाद से भूत थीम पार्टी में असली भूतिया आ गए। कैटरीना कैफ भी है वहां, और वहां इन दो लगमुरों के सामने फालतू के शब्दों की धुनों का गाना बना के नाच रही है। अरे अरे बस पागल हो गई क्या, ये क्या करे जा रही है। इंसान को हमेशा आपस में प्यार से रहना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए आपस में। और तू भूतनी कहीं की भूतनी लग तो नहीं रही, पर कम से कम नाच तो भूतनियों जैसे ले। ये क्या सैन फ्रांसिस्को की गुलफाम कली जैसे नाच रही है। Don't know is it more dancing or more seducing, but अच्छा लगा, टैलेंट तो है छोरी में, देखकर मजा आया। और ये बंटाई और रस का हाइब्रिड यहाँ क्या कर रहा है। खैर एनीवे नाउ बैक टू द मूवी। अब घर आते वक्त ये हरी गोली का नशा करके एक बेचारी चुड़ैल को उड़ा दी, फिर उसके सही उल्टे पैरों को उल्टा करने लग रहे हैं। घर में इनके पीछे पीछे कैटरीना भी आ गई और इनको ऑफर देती है कि मैं लोगों के शरीर में घुसूंगी, फिर तुम मुझे आके निकाल देना, पैसे कमाना बिजनेस। पर ये दोनों जितने बेवकूफ बन रहे हैं उससे ज्यादा दिख रहे हैं, और जितने दिख रहे हैं उससे ज्यादा असल में हैं साले। घर आई कैटरीना कैफ को ही मना कर दिए कि नहीं, ऐसे लोगों को चीट नहीं करेंगे, चीट तो मुझे लगता है भगवान ने कर दिया तुम्हारे साथ। पहली नजर में पता लग गया था कि इनका स्वाद ही अलग है। ये जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत इसमें, वो बस दिखा ही रहे हैं, असली इंटरेस्ट तो इनका राका के राका में ही है। कैटरीना कैफ को तो नहीं लिया इन्होंने टीम में, पर उसका आइडिया चुराकर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया लोगों में से भूत भगाने का। तुम हॉरर फैन हो, बहुत मूवी देखी है भूत की, तो उसमें तांत्रिक बाबा या इन दोनों को देखकर पहले ही आइडिया नहीं आया कि भूत भगाने का। एनीवे ये अपना एक ऐप बनाते हैं फोन भूत के नाम से, और इनके इस बिजनेस का मजाक बनने लगा सब जगह। फिर एंड में एक क्लाइंट मिलता है इनको, ये दोनों जिनकी बेटी में भूतनी आ रखी है। पहली बात तो ये, इन दोनों का बेटा या बेटी कुछ भी करने की मैच मेकिंग ही गलत है, ये खुद इसकी बेटी लग रही है यार। इनकी बेटी में तमिल भूतनी आ रखी है, विच इज आउट ऑफ कंट्रोल। इसने इसको रजनीकांत की फोटो दिखाई, तब जाके शांत हुई, डर गई बेचारी। अबे तू भूतनी है, फिजिक्स थोड़ी है जो तू इससे डर रही है, तू चिल मार। ये अपनी
अपनी आप बीती सुनाती है कि ये इसके बाप से बदला लेने आई है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी से इसकी स्कूटी को ठोक दिया था और गलती सच्ची में आदमी की ही थी। इस लड़की के घर वाले उधर भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये लोग इधर ऐश कर रहे हैं, इसलिए इसकी बेटी को तड़पा के उससे बदला ले रही है ये। हाँ, पर वो सब तो सही है, हेलमेट उतार ले, बाल सही कर ले, शकल सुधार ले, इससे सीख ले कुछ। मरी तो ये भी रोड एक्सीडेंट में ही थी, पर फिर भी भूतनी बनने पर भी मेकअप फैशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि बात तो सही है, छोरी की बदला तो लेगी, क्या करें फिर। सॉल्यूशन लेकर प्रकट हो गई कैटरीना कैफ, इसके बाप से पैसे लेकर इसके घर वालों को दिलवा दिए। अब तेरे घर में भी बकरा बिरयानी बनेगी, खुश रहे, अब मुक्ति पा चल। अब भी कैटरीना ही आगे से इनकी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलती है, बदले में ये बस एक फेवर लेगी, पर ये मान ही नहीं रहे इसको अपनी टीम में लेने के लिए। हाँ, तुम जाओ सालो राका के पास ही जाओ, उसी लायक हो तुम। नाओ इनको मनाने के लिए ये वही हरकत करने लग गई जो ये अपने टीवी पे हर गर्मी में करती है अपन मासूम लोगों के साथ, अपन को स्लाइस खरीदवाने के लिए। I am ready जी। अब जाकर फोन बूथ में भूत आया है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कैटरीना कैफ जिस तरह अपने बॉडी के एक्सप्रेशन चेंज करती है उसी तरह थोड़े बहुत अपने फेस के भी एक्सप्रेशन चेंज कर लेती तो क्या ही बात होती, ढंग की एक्टिंग हो जाती और तो क्या बात होती। सो इधर इसको स्लाइस खाता देख दे स्लाइड मतलब फिसल गए और इसको अपनी टीम में ले लिए। नाउ सीजन, अब तीनों मिलके भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलवाने का नेक काम करते हैं, उनके घर वालों को पैसे दिलवा के। बस ऐसे ही मोक्ष दिलवा रहे हैं ये सारी आत्माओं को, इनके घर वालों को पैसे दिलवाओ छुट्टी, मतलब इस हिसाब से तो असली जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस वाले ही मोक्ष दिलवा रहे हैं आत्माओं को। इसलिए घर वालों के लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए तो करवाई ले इंश्योरेंस, जा करा ले। नाउ मूवी का विलन, ये देख आत्मा नाम तांत्रिक जो आत्माओं को मोक्ष देने के लालच में खुद के लिए काम करवाता है और मोक्ष वगैरह कुछ नहीं देता, बोतल में बंद कर देता है बस। नाउ कैटरीना वांट्स हर फेवर, जो इसने पहले बोला था, पहले इसकी बैक स्टोरी सुन लो। दुष्यंत नाम के लड़के से प्यार करती थी और एक बार गाड़ी चलाते वक्त बहुत जोर से प्यार आ गया, सीट बेल्ट हटा के नहीं नहीं अभी किस करूंगी और एक्सीडेंट में दोनों ही मर गए। दुष्यंत की आत्मा को तांत्रिक पकड़ लिया और उसी को बचाना है, बस यही है फेवर। लेकिन ये दोनों भूत से तो नहीं डरते लेकिन तांत्रिक से डर गए और भग लिए। ये तांत्रिक उठा लिया कैटरीना को और फिर बाद में इनका मूड चेंज हो गया तो आ गए मेजर और गुल्लू आत्माराम को मारने, पर ये पिट रहे हैं उससे तो एंट्री मारता है पीछे से अब राका, सबको पटक पटक के मार रहा है और फिर थोड़ा दिमाग लगा के ये तीनों इसको भी मार दिए। हाँ, बाय बाय दी एंड, नहीं हुआ अभी रुक जा। तो भाई देखो, अगर तुमको असली भूतिया मूवी पे वीडियो चाहिए तो लाइक मारो, पूरा कॉन्जुरिंग यूनिवर्स ही लपेट लेंगे अपन, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। और ये सब तो फॉर्मेलिटी है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सेम आई नेम ब्रो। एंड अभी के अभी और तुमको भूतिया डोज चाहिए अगर, तो अभी के अभी राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दे। बाय बाय।